हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाजी वर्ल्ड। ये सेशन है टेक्निकल अपडेट के लिए। टेक्निकल अपडेट में सबसे पहले हम बात करेंगे नोट 8 की। कुछ लीक सामने आ चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में नोट 8 की लीक सामने आ चुकी, कुछ इमेजेस सामने आ चुके हैं, ब्राउजर सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन में नोट 8 की जो साइज दी गई वो 6.3 इंच QHD यानी क्वाड HD डिस्प्ले, 2K डिस्प्ले दिया गया है साथ में। और अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सैमसंग का पहला फोन होगा जिसमें डुअल कैमरा सेटअप होगा। डुअल कैमरा सेटअप यानी 13 MP का कैमरा होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जाता है। 13 MP के साथ आने वाला है। साथ में इसमें क्या सेटअप हॉरिजॉन्टल होगा ना कि वर्टिकल होगा। बाजू में उसके हार्ट बीट सेंसर और उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। और अगर हम बात करें और क्या चीज़ें हैं, तो इसमें एस पेन, जो इसका पेन आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट का, एस पेन जो होगा वो होगा टच के साथ प्रेशर सेंसिटिव, यानी कि अगर आप थोड़ा सा पुश करके लिखेंगे तो डार्क आएगी लाइन, और लाइट अगर आप हल्का करेंगे तो हल्की आएगी। मतलब इस तरह की कुछ फीचर आने वाला है नोट 8 में। और अगर हम बात करें और क्या चीज़ें हैं नोट 8 में, तो बैटरी साइज ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि पिछले नोट में जो चीज़ हुई थी उसको बताने वाला है, वो है Exynos 8895 जो है वो 4K वीडियो 120fps तक सपोर्ट करता है रिकॉर्डिंग की। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4K वीडियो 60fps तक तो दे ही सकता है, साथ में 4K में कुछ वीडियो फीचर दे सकता है, ये अभी एक्सपेक्टेशन है। यानी 4K में स्लो मोशन आ सकता है नोट 8 में। और अगर हम बात करें इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो कि कंफर्म हो चुकी हैं, तो इसमें 2x ऑप्टिकल जूम है, यानी इसके कैमरे में 2x ऑप्टिकल जूम है। साथ में ये आपको बुके इफेक्ट देगा, यानी DSLR इफेक्ट जो कि आईफोन 7 प्लस 1 प्लस दे रहे हैं, वही इफेक्ट सैमसंग भी लाने वाला है अपने डुअल कैमरे में। अब देखने की ये बात है कि क्या ये उनसे अच्छा लाता है DSLR से कंपेयर करने पर, ये क्या उसके क्लोज जाता है, क्योंकि आईफोन 7 अभी का सबसे अच्छा DSLR इफेक्ट देने वाला कैमरा है। उसके बाद अगर देखते हैं कि आईफोन 7 प्लस पे बीट कर पाता है कि नहीं। सैमसंग का मिड रेंज फोन C7 Pro 17 का एडिशन लॉन्च होने वाला है, और उसमें क्या खास बात होने वाली है, उसमें भी डुअल कैमरा सेटअप आने वाला है। वर्टिकल अरेंजमेंट है, जैसे कि इमेज लीक हुई है उस हिसाब से वर्टिकल अरेंजमेंट इसमें आने वाले हैं, और साथ में 13+5 MP का सेंसर लगा होगा, ऐसी लीक सामने आई है अभी। और 5.5 इंच का डिस्प्ले होगा, साथ में ये IP68 कोटेड फोन को शायद अभी एक्सपेक्टेशन ऐसा किया जा रहा है। C717 भी आने वाला है अभी। यह है LG V30। अगर हम LG V30 की बात करें तो LG के G6 के बाद LG V30 आया है। LG V30 में क्या क्या चीज़ें सामने आ चुकी, क्या क्या लीक सामने आई, कुछ इमेजेस सामने आई हैं उससे ही कन्फर्म हो गया। जो पावर बटन है, पावर बटन और कैमरा सेटअप का कन्फर्मेशन हो गया कि जो पावर बटन है वो साइड में ना होके पीछे होगी ये फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह, और जो पुश होगी यही पावर बटन का काम करेगी और फिंगरप्रिंट स्कैनर का काम करेगी। साथ में अगर हम बात करें डुअल कैमरा सेटअप है, डुअल कैमरा सेटअप वाइड एंगल के लिए है। और क्या चीज़ें इसमें इंप्रूव हुई हैं, तो जो इसके स्क्रीन साइज होगा वो 6 इंच होगा, साथ में OLED पैनल के साथ आएगा, यानी OLED पैनल इस पर लगा होगा। अभी तक IPS TFT पैनल आ रहा था, अब OLED पैनल के साथ आएगा। और क्या चीज़ें इस पर खास है, तो 6 इंच के साथ बेजल लेस, यानी ये नोट 8 को टक्कर देने के लिए आ रहा है, तो इसमें भी S8 से कम बेजल्स है। यानी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 85 से 90% जाने वाला है। और अगर इसके अलावा बात करें और क्या चीज़ें हैं, तो जो कैमरा सेटअप है वो वाइड एंगल लेंस के लिए है इसमें कैमरा सेटअप, और जो उसका एपेचर है वो 1.6, यानी लो लाइट इमेज बहुत अच्छी कैप्चर करने में कैपेबल रहेगा ये फ़ोन। और क्या लीक सामने आई है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो आई है वो इसमें प्रोसेसर लगे हो 835, यानी स्नैपड्रैगन 835 के साथ आने वाला है V30, जो कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर रहेगा। और जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो 4GB 64 6GB 128GB के कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये लॉन्च होगा। तो LG के फ़ोन लेने से पहले मैं बोलूँगा थोड़े दिन रुक जाइए, क्योंकि जो प्राइस वो लॉन्च करता है उसके थोड़े दिन बाद ही प्राइस बहुत गिर जाती है इसकी। तो LG जब लॉन्च करता है तब बहुत हाई प्राइस पे लॉन्च करता है, लेकिन वो गिर के एक अच्छे प्राइस पे आ जाती है। तो लॉन्च जब हो रहा है तब LG के फ़ोन मत लीजिए, थोड़े दिन बाद लीजिए। Asus के 6 फ़ोन का कंफर्मेशन हो चुका है, जिसमें होंगे Asus ZenFone 4, 4 Pro, 4 Max, Max Pro और Selfie Pro। तो कुछ इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन के साथ आने वाला है ये डुअल कैमरा सेटअप के में बहुत काम किया Asus ने इस बार। और अगर हम बात करें तो इस पे IMX 8386 लगा हुआ है। Sony 4 Pro में आपको 835 स्नैपड्रैगन मिलेगा, साथ में और क्या चीज़ें मिलेंगी, डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। Asus बहुत काम कर रहा है अपने कैमरा सेटअप पे। डुअल कैमरा सेटअप के साथ और क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो डुअल कैमरा सेटअप के साथ जो एपिचर मिलेगा वो 1.7 का मिलेगा, यानी लो लाइट फोटो अच्छी कैप्चर कर सकता है। अगर हम बात करें इसके क्या फीचर्स होने वाले, तो अगर हम Asus ZenFone 4 Pro की बात करें तो ये इसका हाई एंडेड फोन होगा, जिसमें 385 प्रोसेसर के साथ आने वाला, और फुल HD में आपको 120fps के साथ स्लो मोशन रिकॉर्डिंग मिल सकती है। और साथ में अगर हम बात करें और क्या चीज़ें इसमें आने, इस पर सुपर मोड आने वाला, सुपर कैप्चर मोड या सुपर इमेज मोड, जिसमें 48 MP ये रेंडर करके इमेज बनाएगा, 48 MP की इमेज कैप्चर कर सकता है। मतलब ये 12 MP की इमेज को रेंडर कर करके 48 MP में कन्वर्ट करेगा, यानी ये एक
प्रोसेस के थ्रू 48 MB बनाने वाला है। तो कुछ इसके ऐसे फीचर्स हैं।